हेलो जी, नमस्कार जी, माता दी, राम राम। आप सब कैसे हो? भाई हो, आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं यानी कि एक किस्सा या स्टोरी, कुछ भी समझ लेना आप, वो सुनाऊंगी और साथ साथ में अपनी बेटी का हॉस्टल रूम भी शेयर करूंगी कि कॉलेज वालों ने क्या क्या रूम में प्रोवाइड किया था और उसने अपने रूम को कैसे सेट किया है। तो मेरे वीडियो को आप पक्का एंड तक देखें और मुझे मोटिवेट भी करें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है, और एक खट्टा मीठा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो प्लीज इसे पूरा देखें आप। और जिस किस्से के बारे में बता रही थी मैं, वो मेरा ही किस्सा है, यानी कि आप बीती बात है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, यानी कि ये तो 50% लेडीज के साथ होता है। और वो है मेरी कोई चीज खो गई थी। तो कैसे खोई थी, कहाँ खोई, मैं पूरा बताऊंगी आपको। और उस यानी कि हम बेटी को मिलने जा रहे थे हॉस्टल में, और मैंने वैसे भी पहले भी बेटी की हॉस्टल की वीडियो अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो हाँ, बेटी को मिलने जब गए तो उसको ना कुछ सामान चाहिए था, तो उसको देने के लिए हम गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ फ्रूट खरीद लेते हैं, यानी कि ये मेन रोड के साथ ही दो रेड़ियां थी, एक केले की थी, एक अंगूर की थी। तो हमने वहां से वो सब खरीदा फ्रूट्स। और उस टाइम भी मेरे भाई इनके हस्बैंड वीडियो बना रहे थे और मैं गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। तो वहां से हम गए और रास्ते में भी हम शायद एक सेकंड के लिए रुके थे, तो वहां से भी वो वीडियो ही बना रहे थे। फिर उसके बाद हमने यानी कहीं नहीं रुके और हम डायरेक्ट बेटी के कॉलेज ही रुके, बिट्स प्लानिंग कॉलेज। और रुकने के बाद भी वो वीडियो बना रहे थे, यानी कि मेरी जाती हुई थी, वीडियो बना रहे थे वो। फिर हमने बेटी को जो उसको उसका जो सामान था उसको दे दिया, फिर हम रिटर्न आ गए। यानी कि उस टाइम मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है बिट्स प्लानिंग की, वो भी आपको दिखाऊंगी उसका। यानी कि पूरा जो कॉलेज का मेन रोड होता है ना, तो पूरा ही मैंने वीडियो को बनाया है। तो फिर उसको क्या किया हमने, उसके बाद हमने फिर घर वापस आए। जब हम मिलने गए बेटी को, तो घर से जब निकले तो 4 o'clock था, जब हम रिटर्न आए तो 7:30 तक हो गया था। फिर घर में आके हमने खाना पीना बनाया और खाया और फिर सो गए। एक उस टाइम क्या, मेरे हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मेरा बेटा नहीं था, वो 3-4 दिन के लिए बाहर गया था घूमने को। और फिर दूसरे दिन भी संडे था, उस दिन सैटरडे था, पिछले दिन जिस दिन भी जो हम लोग बेटी को मिलने गए थे, और अगले दिन संडे था। संडे को भी जो डेली रूटीन काम होता वो हमने किया। फिर शाम हो गई, शाम को यानी कि 5 बज गए, तो हमने सोचा चलो नंद के यहाँ जाके आते हैं, उनके सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको देख के आते हैं। तो हम रेडी होके उधर चले गए और दीदी के यहाँ पहुंचे। तो उधर जाके थोड़ा देर दीदी के पास बात किया, यानी कि डबल स्टोरी है, तो दीदी नीचे वाली स्टोरी में थे, तो हमने उनसे बात करके थोड़ी देर रुके, फिर उनकी सासू माँ के पास गए मिलने के लिए। जब सासू माँ के पास मेरे को वैसे एक ही मिनट हुआ था, बैठी भी नहीं मैंने यानी कि अच्छे से, तो मैंने ना आंटी के हाथों में ना रिंग देखी, यानी कि आंटी 3-4 रिंग पहन के रखते हैं। और रिंग तो, जब मैंने आंटी के हाथ में रिंग नहीं देखी, एक ही रिंग थी उसके हाथ में और बाकी उन्होंने खोल के रखी होगी। तो मैं दीदी को पूछा, दीदी आंटी ने रिंग क्यों खोल दी है? तो बोला कि हाँ मम्मी कभी कभी ऐसे ही खोल देते हैं। यानी कि जो रिंग आंटी ने पहनी थी ना, वो मेरी जैसी ही रिंग आंटी ने पहनी थी, यानी कि हमारे दोनों की सेम रिंग थी। हाथों की तरफ देखा तो देखा मेरे तो रिंग है ही नहीं। उस टाइम मेरा जो होश उड़े मैं बता नहीं सकती आपको। और चुपके से उस टाइम हम आंटी के पास भी नहीं बैठे, हम उधर से, फिर दीदी को भी मालूम था कि रिंग भाभी पहनी रखती है, हम लोग उधर से तुरंत आ गए। तुरंत आने के बाद मैंने दीदी को बोला, अपने भाई से मत बताना आप, मैं घर में जाके पहले ढूंढूंगी फिर मैं बताऊंगी। बोले ठीक है। और क्या वो दीदी बोलती ठीक है, मैं भी नीचे फ्लोर में देखूंगी, रूम में जहाँ आप लोग बैठे थे
मिलती है तो मैं आपको बताऊंगी। मैंने ठीक है, हम यानी कि तुरंत हम लोग उधर से चले। और हाजम बोले इतना जल्दी मिलके आ गई उधर से, क्या बात है। तो मैंने नहीं कुछ भी बात नहीं, अभी टाइम हो गया ना, चलते हैं अभी। तो फिर हम लोग उधर से गए और मैंने सोचा देखते हैं, जहां मैंने हैंड वॉश किए हैं, जब मैं नहाई हूँ, मैंने आके तुरंत भारी हम लोगों का टैप है यानी कि हाथ धोने का, तो मैंने वहां भी चेक किया। हाथ धोने के बहाने उधर भी गई मैं और नजर मैंने पूरा ही घुमाई, लेकिन उधर भी अंगूठी नहीं मिला। आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही थी, यानी कि वो मेरी अंगूठी थी। और फिर मैंने बाथरूम की तरफ गई तो उधर भी नहीं मिला। फिर मेरे से रुका नहीं गया, मैंने बोल दिया मेरी रिंग गुम हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, अभी गुम होगी तो हो गई, अभी क्या कर सकते हैं। फिर मैं चुपचाप बैठ गई। जब चीज खो जाती है तो आपको आपको भी पता होगा कैसे लगता उस टाइम। फिर मैं बैठ के सोफे में बैठ के सोचने लगी कि कब खोई, मेरे को ये एहसास तक भी नहीं है कि कब निकल गई वो रिंग। फिर ऐसे बैठ बैठ के फिर सोचती रही, ना खाना बनाने को मन भी ना हो कि मैं खाना बनाऊं, खाने की तो दूर की बात, बनाने का भी मन ना करे। फिर चलो अभी देखे। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो चलते, हम लोगों मैंने चेंज किए थे तो शायद हो सकता है वहां निकल गई होगी या कुछ है, लेकिन हमने मैंने एक ही रूम देखा नीचे ऊपर, मतलब एक रूम तो हमने यूज किया ही नहीं क्योंकि बच्चे नहीं है घर में, तो देखा नहीं, उधर भी नहीं मिला। फिर सोच के बैठ गई, मतलब देखते हैं अभी कहां, अभी मैं यानी कि माइंड को घुमाती हूँ कि कहां कब खोई वो अंगूठी और कब थी मेरे हैंड में। फिर एक मैं वैसे ना एक फ्रेंड के घर में गई थी उस दिन, तो उसने उस टाइम बोला भी था कि दीदी आपकी एक इयररिंग बहुत अच्छी है, यानी दूसरी बार रिंग को बोला, ये वाली जो है, ये जो वाली इयररिंग को बोला कि दीदी आपकी रिंग तो बहुत अच्छी है ये। तो फिर मैंने सोचा कि उनके घर में गई तो शायद उनको पूछूंगी कि आपने ये जो दूसरी रिंग मेरी देखी कि देखी, तो लेकिन मेरे को वो भी अच्छा नहीं लगा पूछने। फिर मैं बैठ गई, फिर मैंने ना मोबाइल को खोला, मैं तो देखती हूँ अभी मैं वीडियो बना रही थी शायद, अगर मैं तो कहीं गई नहीं, एक तो दीदी के घर में गई, उनके घर में गई, और उससे पहले मैं बेटी को मिलने गई थी, तो मैं उधर की तो मैंने वीडियो बनाई है, तो मैंने चलो देखते हैं उसमें वीडियो में है कि नहीं है। तो मैंने जब वीडियो को खोला तो केले की दुकान में जब मैं केला खरीदी तो वीडियो उसमें सॉरी रिंग था। और फिर मैंने बेटी कॉलेज की जो वीडियो बनाई थी वहां की वीडियो निकाल के देखी, तो देखा तो उधर तो है ही नहीं, तो मैंने सोचा ये कहीं उधर ही मिसप्लेस हुई है। जब हम स्कूटी को खड़ा किया और हम लोग क्या है ना पॉलिथीन में सामान रख रखा, तो मैंने हस्बैंड के हाथ में दिया और कभी मैं भी ले रही थी, तो शायद हो सकता है उसके चक्कर में मेरी रिंग खो गई होगी। फिर देखा तो मैंने फिर बेटी को फोन किया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, मेरी रिंग गुम हो गई है, तो प्लीज आप वहां देखें। तो बोले मम्मी अभी आपने कहाँ गाड़ी को खड़ा किया था, मैं बोले पूरा मैं आपको वीडियो भेजती हूँ। तो उसको मैंने बोले ठीक है मम्मी मैं देखती हूँ। तो फिर उसने क्या किया, उस टाइम 10 o'clock हुआ था, तो उसने आप जो भी रिसेप्शन मैडम बैठती है उधर, रिसेप्शन में मैडम बैठती है, उसमें वो गई पूछने के लिए, मैम ऐसी ऐसी बात है मेरी मम्मा का रिंग गुम हो गया है, तो मैं उसको देख सकती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं अभी तक नहीं जाना उधर, अभी 10 o'clock हो रहे हैं। फिर वो नहीं गई, तो बोले मम्मा मैं सुबह देखूंगी। बोले ठीक है। फिर मैं फिर बैठ गई, फिर थोड़ा बहुत जो भी था खाना वो खाया, फिर मैं मोबाइल लेके बैठ गई फिर से देखती। फिर क्या हुआ, जो मैंने बीच में गाड़ी को रोका था ना, उसमें देखा कि उसमें रिंग है नहीं। वो कैसे पता चला, मैं हैंड को ऐसे करके मोबाइल को पकड़े तो उस शीशे के आगे उसका पता चला कि ये शीशे में जो उसका रिफ्लेक्शन था शीशे में डाला। तो मैं बोले हाँ ये चांदी का तो है, लेकिन ये तो सोने का है ही नहीं, तो ये तो पक्का उधर ही मिस हुआ है, यहाँ हम फ्रूट्स खरीद रहे थे उधर ही मिस हुई है। तो फिर तो इस तरह पता चल गया कि घर में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये कहीं बाहर ही खोई है। फिर मैं नींद कहाँ से, नींद अगर इतनी बड़ी चीज खो जाती है तो नींद आती है किसी को, नहीं सोई रात पूरी रात ऐसे ही सोचती रही। फिर मैंने बेटी को इन्फॉर्म कर दिया कि बेटा आप वहां नहीं ढूंढना रिंग को, ये मेरी जो रिंग है वो पीछे ही कहीं खो गई है। तो मेरा ठीक है मम्मा, नहीं ढूंढूंगी मैं। फिर
हम लोग फिर बैठ के चुपचाप मैं हसबैंड सुबह ही हसबैंड को बोला कि हम ना केले की दुकान पे जाएंगे, उनको पूछेंगे कि यहाँ कहीं रिंग गुम हुई है कि नहीं, आपको मिली है? तो बोला नहीं, अभी वो कहाँ से देंगे वो रिंग, अभी कोई ऐसा ईमानदार है कोई कोई रिंग देगा? मैं नहीं, फिर भी कोई पूछता है किसको चीज मिली, अगर उसको कोई एड्रेस नहीं मालूम है जो कुछ नहीं मालूम तो उसको वो कैसे देगा हमें, तो एक बार तो हमें जाना चाहिए ना। तो बोला ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो मैं चलूंगा साथ में, पूछते हैं उसको जाके। तो फिर ऐसे करके फिर शाम, मैंने चलो ठीक है शाम को जाते हैं, शायद रेडी वाले कभी इधर लगाते कभी उधर लगाते, शायद शाम को ही हम गए थे, शाम को ही मिलेगा वो। तो हम शाम को उधर गए रेडी के पास भैया के पास, फिर हम लोग वहां पूछा भैया को कि भैया ऐसे से बात है मेरी ये रिंग खो गई थी, आपको कहीं मिली क्या? बोले नहीं इधर कोई रिंग नहीं मिली हमें। मैं भैया मैंने उस टाइम आपको पता कि मैं वीडियो बना रही थी, बोले हाँ। तो मैंने भैया देखो अभी इस वीडियो में रिंग है मेरी, और थोड़ी देर यानी कि किलो डेढ़ किलोमीटर के बाद में मेरी रिंग नहीं है। तो बोला तो पता नहीं, मतलब भैया ऐसे चलो कोई बात नहीं, चीज खो गई खो, अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन ये सोना ऐसी चीज है वो खोना और मिलना अच्छी बात नहीं है। तो बोला हाँ वो तो सही है मैडम। फिर मैंने बोला अगर आपको मिलती है तो आपको आप हमें इन्फॉर्म करना। और वैसे ना क्या, हम जहां मैं प्लेस में खड़ी थी ना उस टाइम कुछ नहीं था, और जब हम बोलने उसको बताने गए तो वहां तरबूज का यानी वाटरमेलन का बहुत बड़ा ढेर लगा रखा था। तो उसने वैसे उधर से एक दो दो चार वाटरमेलन को हटाया, वहां देखा लेकिन नहीं उसको मिली। फिर हम रिटर्न आ गए तो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने उनको फोन नंबर दे दिया अपना कि आपको मिलेगी रिंग तो हमें इन्फॉर्म करना। बोले ठीक है जी। फिर हम रिटर्न आ गए, फिर हम बैठ गए, अभी क्या कर सकते, यानी कि 8-10 दिन हो गया। मैं बोला मेरे लेकिन पक्का ये था कि मेरे को चीज मिलेगी, क्योंकि हम ईमानदार से हमारा जो ये जो रिंग बनी वो पूरे यानी कि कोई दो नंबर पैसे का नहीं बना है, ईमानदारी से बनी। आपको पता ही फौज की ड्यूटी कैसी होती है, उसी उन्हीं पैसों से वो रिंग बनी थी। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता है वो गुम हो जाए, मिलेगी वो। लेकिन दो चार दिन फिर भी मेरे को था कि शायद हो सकता है उसको मिल जाए तो दे देगा जब कुछ है। लेकिन जब 4-5 दिन निकल गए तो फिर हमने होप छोड़ दिया। लेकिन मैंने एक ही सोचती थी कि नहीं, जो जिसको भी मिले वो अच्छा यूज करे उस रिंग को, शायद हो सकता है उसको हमसे भी ज्यादा जरूरत है इस चीज की, हम ऐसे नहीं मदद कर सकते तो शायद मेरी अंगूठी उसकी मदद कर सके। तो मैं वो सोच के बैठ गई, फिर ऐसे ही यानी कि निकल गए दिन 8-10 दिन। अचानक मंडे को ना उसको यानी कि सैटरडे को हमारी रिंग गुम होती है, और सैटरडे 8 दिन हो गया और मंडे को 10 डेज। तो हमें फोन आता है कि ऐसे से आपका ये जो स्टोन है वो मिल गया है, तो आप ले जा सकते हैं। तो हम तुरंत कुछ नहीं सूझा हमें, हमने गाड़ी को घुमाया और हम चले गए उसके उनके यहां तक। लेकिन उस टाइम हम भी, मुझे ये नहीं था नॉलेज कि मैं मोबाइल को लेके जाऊं और वो थोड़ी वीडियो शूट कर दूं, क्योंकि हॉनेस्टी हर जगह नहीं होती है, और इतनी बड़ी सिटी में जो चीज गुम होके मिलती है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि हॉनेस्टी थे लोग तो तभी दिया ना ऐसे हम लोग। लेकिन एक क्या है ना, हॉनेस्टी पे विश्वास भी रखना चाहिए। मेरे को था विश्वास कि मिलेगी चीज मेरी। तो वो फिर उन्होंने फोन करके हम लोग गए, तो फिर हमने वो उन्होंने रिंग दी, तो मेरे को लगा हाँ ये मेरी रिंग है। तो और दूसरा जो जिससे अंगूर लिए थे ना वो भैया दूसरे तीसरे को बंदे को मिली वो रिंग जो, तो उन्होंने रिंग दी आपकी। मैंने नहीं हाँ भैया ये तो मेरी है। फिर हमने उनको फिर 1,000 रुपया दिया कि चलो अभी हमें इतना 30-35 हजार की रिंग थी वो मिल गई, तो हम 1,000 रुपया देने में हमें क्या दिक्कत है। तो हमने बोला कि नहीं नहीं, बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। नहीं मतलब बोला नहीं, ये तो आपका हमारा फर्ज बनता आपको देना, और आपका फर्ज बनता लेना। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट लेके करके ले ही लिया यानी कि पैसों को। फिर हम आगे तो यानी कि उस टाइम ना ये 2017 में ये रिंग बनी थी, बनाई थी मैंने यानी 26,000 की। तो अभी का रेट आप डाल सकते हो कितना कितने की होगी वो। तो ये जो रिंग थी वो है ये रिंग, ये यानी कि ये पन्ना स्टोन है, ये स्टोन ही 8,000 का है, और रिंग तो आप लगा सकते हो कितने की होगी। अब अभी आपको पता ही है सोना
कितना आगे बढ़ रहा है। तो कैसे लगी मेरी ये किस्सा या स्टोरी कुछ भी, तो प्लीज इसे शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और ना मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि पहले भी मेरी एक लटकन गुम हो गई थी, यानी कि ये तो दूसरा है, ये झूम ऐसे टॉपस टाइप था और वो लटकन अलग सी थी और उसका एक हुक, तो वो भी मेरा किसी ऐसे ही अचानक गिर गया था। तो वो मेरी फ्रेंड को पता चला तो उसने बोला कि दीदी ऐसे करना आप, कि भगवान को आप चूड़ा और गुड़ चढ़ाना, बोलना कि जब मेरी ये लटकन मिल जाएगी तो मैं चूड़ा और गुड़ चढ़ाऊंगी, जो भी जैसा आप भगवान को मानते हैं। तो मैं तो वैसे भोले भगवान को मानती हूँ और पार्वती माता को, तो यानी कि आज हैवी मंडे है और मैंने फास्ट रखा है और मिली भी हमें मंडे को ही थी, यानी कि फास्ट के दिन ही मिली थी हमें। तो बोला कि आप ऐसे करना, तो फिर मैंने के सोचा कि चलो अभी देखते हैं कि इस बार भी देखते हैं कि कितना असरदार है ये टोटका, समझ लो कुछ भी समझ लो आप। तो मैंने अभी भोले को बोला कि भगवान आप मेरी रिंग को कैसे भी कहाँ से भी दिलाएं, आपने दिलाना है, और मुझे विश्वास था भोले पे। तो मैंने बोला कि जब मेरी रिंग मिल जाएगी तो मैं चूड़ा और गुड़ चढ़ाऊंगी आपको, तो शायद हो सकता है ये उनकी ही कृपा होगी और एक वो भैया की भी होगी जो जिनमें इतनी ईमानदारी थी। आपको पता ही है कि ये सोना देख के सबको लालच आ ही जाता है, वैसे विश्वास रखो तो ईमानदारी भी है। और वैसे भी हमारे इंडिया और भारत में जहाँ भी हम रहते हैं, जिस भी स्टेट में हम रहते हैं, हम वैसे एक्चुअली बोलते थे कि हिमाचल वाले बहुत ईमानदार है, लेकिन नहीं, यहाँ भी हैदराबाद में भी ईमानदार लोग रहते हैं। तो देखो अभी यानी कि हम विश्वास रखेंगे तभी तो ईमानदारी बनेगी ना। और आपकी चीज खोई है वहां, जहां भी खोई है, अगर आपको उस टाइम नहीं मिलती है तो अगर किसी पर्सन को मिलती है तो वो तभी आपको तब पहुंचाएगा ना जब उसके पास कोई एड्रेस या फोन नंबर होगा। तो अगर आपकी कोई चीज गुम होती है तो आप पक्का वहां अपना एड्रेस और फोन नंबर दें ताकि आपकी जो खोई हुई चीज आपको मिले। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं ना कि चलो अभी जिसकी चीज है वहां तक पहुंचा दे, हम किस लिए रखेंगे किसी की चीज को। वैसे ही शायद मेरे साथ हुआ है, वो भैया को भी लगा होगा कि नहीं हम दूसरों की चीज कैसे यूज करेंगे जिसके हम वहां तक पहुंचा दें। तो ऐसे ही हमें करना चाहिए ताकि हमारी चीज मिल सके। और हमें भी ऑनेस्टी बनना चाहिए, हम यानी कोई भी हमें किसी की चीज मिले तो हमें भी वैसे ही देना चाहिए। एक दूसरे पे विश्वास रखेंगे तभी ही हमारी लाइफ चल सकती है। तो वीडियो को यहाँ से एंड करते हैं, यानी एंड तो नहीं होगा लेकिन अभी भी आपको थोड़ा मैं अपनी वीडियो का हॉस्टल दिखाऊंगी कैसे उसने सेट किया है। तो बाय बाय। I'm writing a love song from me to you. Tell me you got me, I'll tell you too. We're writing a love song, it's deja vu. Won't you tell me what you're waiting for? See those mansions I keep, or they won't give you any back. Tell you what I'm waiting for. Got that fashion for me, girl, can't say I don't fight with that. You want, make a move, no we don't have to share. Say the work, gonna work, to put in overtime. Cause you deserve the sunrise. Da 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 da, you never know where you can find love, where you can find love. La da 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 da, you're dropping low. Damn girl, you got some more than enough. Tell me you love me, tell me it's true. I'm writing a love song from me to you. Tell me you got me.